সাবধান সাবধান সাবধান, মূর্খ কে মূর্খ, মূর্খ সম্রাট মহারাজ মূর্খানন্দ জি দরবার মে পধার রহে হ্যায়, সাবধান। মহারাজ কি দুহাই হে? দুহাই হে, দুহাই হে, দুহাই হে। হ্যাঁ, হামারি লুগাই হে? মহারাজ লুগাই নহিঁ, দুহাই হে। ঠিক হে, ঠিক হে। মহামন্ত্রী ফক্কড় সিং জি মহারাজ, হম দরবার কি কার্রওয়াই শুরু করনে সে পহলে তুমি আদেশ দেতে হ্যায় কি তুমি ছোড়কর সবই বেঠ যায় আর তুম খড়ে রহো। মহারাজ খড়ে খড়ে তো মেরে প্যার দুখনে লগেঙ্গে। হম তুমারে প্যার তুড়ুয়া দেঙ্গে। জো আজ্ঞা মহারাজ। ওই বেঠ যাও। মহামন্ত্রী ফক্কড় সিং, আব দরবার কি কার্রওয়াই শুরু করো। জো আজ্ঞা মহারাজ। আজ কা পহলা মুকদ্দমা ইয়ে হ্যায় কি বুঁদি পিট গিয়া। হ্যাঁ, বুঁদি পিট গিয়া, যানি কি হামারি নগরী মে ঘোর অন্ধের, এ বুঁদি কেসে পিট গিয়া? মহারাজ বুঁদি কা কহনা হ্যায় কি শেখ চিল্লি নে উসে বেওয়াজা পুলিশ ওয়ালো সে পিটওয়া দিয়া। বুলাও দোনো কো, হাম জাননা চাহতে হ্যায় সারা মাজরা ক্যা হ্যায়। अभी बुलवाता हूँ महाराज। ओए, बूंदी और शेख चिल्ली को जल्दी से हाजिर करो। बूंदी और शेख चिल्ली दरबार में हाजिर हो, बूंदी और शेख चिल्ली दरबार में हाजिर हो। महाराज का इकबाल बुलंद हो, महाराज का इकबाल बुलंद हो। ठीक है ठीक है, क्यों से चिल्ली, बूंदी का आरोप सच है कि तुमने बिना वजह उसे पुलिस से पिटवाया? महाराज आप इस गधे की बातों में बेवकार आ रही हो। ये तो वैसी दुलत्ती फेंकता रहता है। दुलत्तियाँ? हाँ महाराज, अब आप ही देख लीजिए, ये शेख चिल्ली मुझे गधा बता रहा है और कह रहा है कि दुलत्तिया भी फेंकता हूँ। देखिए आप ये कितना कमीना है। देख लो महाराज, मुझे कमीना बतला रिया, मैं इसके मुंह पे खामोश। तुमने इसे गधा कहा और इसने तुम्हें कमीना कहा, इसलिए तुम दोनों बराबर हो गए। अब हमें सारा माजरा खोल कर समझाओ ताकि हमारी समझदारी में तुम्हारी बातें आ सके कि बूंदी को शेख चिल्ली ने पुलिस से क्यों पिटवाया। चल बे शेख चिल्ली, महाराज को सारा माजरा खोल के बता। अबे मैं तो माजरा लाया भी नहीं, मुझे पता नहीं है भाई साहब, आप अपना माजरा खोल कर दिखा दो। अबे यार माजरा तो मैं भी गरीब भूल गया, शायद तेरी भाभी जान के पास ही होगा। मेरी भाभी बतला रहा झाड़ में फेंके जी भाभी को, वैसे दुश्मनी कर रहा मेरे से। खामोश बदतमीजो। माजरा का मतलब है मामला। हमें सारा मामला तुम दोनों खोल कर समझाओ, क्या समझे? ठीक है, अब समझ गए महाराज, आप सारा मामला खोलकर बात समझाने की कर रहे हैं। हाँ, अब ठीक समझे, चलो शुरू हो जाओ। बात ये थी महाराज कि मैं एक दिन अपने घर में अकेला बोर हो रहा था। माँ बाप बहन भाई सभी पता न जाने कहाँ जाने चले गए। ये तो बहुत बुरा हुआ है। तुम्हारे माँ बाप
बहन भाई सभी स्वर्ग सुधार गए। और तुम्हें इस भरी दुनिया में अकेला भटकने को छोड़ गए, हमें सुनकर रोना आ गया है। ये आप कैसी बात कर रहे हो? मेरे जिंदा माँ बाप और बहन को मारकर मातम बना रहे हो, मुझे अनाथ बना रहे हो क्या? यानी कि जिंदा है? ये बात नहीं है महाराज, बात ये है कि मेरे माँ बाप और भाई बहन सभी बाजार गए हुए थे। हाँ, और घर में मैं इकला बोर हो रहा था। मैं अपनी बोरियत दूर करने के लिए जोर जोर से गाना गा रहा था। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, सेकी छिल्ली तेरा आज कोई सहारा ना हुआ। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, सेकी छिल्ली तेरा कोई बिचारा ना हुआ। इस भरी दुनिया में कोई भी सारे गाँव में भाइयो अपना कोई नहीं गिर गई टोपी सारे शहर में भाइयो अपना कोई नहीं। अम्मी भी मर गई थी कह गई, अब्बा भी कहीं चले गए, सारे गाँव में भाई हो अपना कोई नहीं। चली गई अम्मी, अबू भी नहीं है, सैर करते फिर बुढ़ापे में घूमता फिर हवा लग रही है हवा। आए अम्मी, सारे गाँव में अपना कोई नहीं। अबे हरामी, अबे क्या कह रही है? कोई नहीं। अबे हम क्या मर गए? अभी हम सारे जिंदा है, है? बोल रहा कोई नहीं है? देखा, घूम ले सैर कर ले, घूम ले, बुढ़ापे में शर्म नहीं आती। देख ले अभी मुझे हरामी बतला रहा निकट्टू अब्बू, क्या था हरामी हो? हाय हाय, अरे मियां जरा खाल में रहा करो, क्या ये हरामी है? है ये तुम्हारी औलाद है, मैं क्या इसे कहीं और से लाई हूँ? मार, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मार, अबे क्या करेगी तू? है मैं मारेगी मुझे? यही सपने हरामी लौंडे से पिटवाएगी? अम्मी का बाल मारेगा? छोड़ दो मियां मुझे, अगर मेरा एक भी बाल उखड़ गया ना तो मैं तुम्हारे सारे खाल के बाल उखाड़ दूंगी। छोड़ दो मुझे,
अरे शेख चिल्ली मुझे बैठा देख रहा, छुड़वा ना सकता मुझे है? मजे ले रहा है वहाँ पे, क्या कर लेगा वो? क्या कर लेगा हरामी वो? बाबा हरामी क्या करेगा? छोड़ दो मियाँ छोड़ दो, अच्छी बात ना होगी देख लो, छोड़ दो हमी बाबे चाहिए था। ठीक उल्लू के पट्टे हरामी जा, उठ रहा लिया कभी लिया जा। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी कर क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी कर क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। बसती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। अबे शेख चिल्ली मेरी नकल तार रहा है, है? ना सुर ना ताल, ना समय ना ख्याल, बज गाधों की तरह रह गया। अबे शेख चिल्ली लगता है तेरे दिमाग के अंदर फफूंदी लग गई है, है? हाँ, जो तू एक महान गायक को बेसुरा बता रहा है। महान गायक? हाँ ठीक है ठीक है, भाई चुप कर वरना तेरा भी जनाजा निकाल दूंगा, अभी हर वक्त गधों की तरह रहता रहता। देखना जब मेरा नंबर एक दिन फिल्मी दुनिया में आएगा तू भी देखेगा। फिल्मी दुनिया में? हाँ। अच्छा कह ले बूंदी, मेरे बाप मुझे निकम्मा काम चोर सोचते हैं, लेकिन मैंने भी ये सोच लिया घर से निकल गए कि मुझे कमाना है, खूब पैसे कमाने हैं। मैं घर वालों को ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी कमाना जानता हूँ, तभी मुँह दिखाऊंगा घर में, जब कुछ कमा के ले जाऊंगा वैसे ले ले जाऊंगा घर पे। ठीक है, ये तो तूने बड़ा अच्छा सोचा शेख चिल्ली, तो एक काम कर, तू कमाने की सोच और मैं खाने की सोचता हूँ। मगर कभी खाने कमाने की बात भी सोच लिया कर, तू मुझे देख अपने अब्बू अम्मी आपा सब छोड़कर चलाया। मैं तो कहीं हिमालय गुफाओं में जाकर तपस्या करने का इरादा है क्या? मैं अकल के दुश्मन, कभी ये भी सोच लिया कर मैं इस भरी जवानी में तपस्या करने लायक हूँ। अबे चकुंदर, मैं तू ही तो कह रहा था कि घर बार अब्बू अम्मी सबको लात मार के आ गया हूँ। क्यों बात का बतंगड़ बना रहा, मैं लात मार कर नहीं बता छोड़ कर आया हूँ। अच्छा मैं अब समझ गया, तो तू घर छोड़ कर आया है? समझ गया, समझदार हो गया बूंदी।
अबे मेरे अब्बू मेरी अम्मी मुझे निकम्मा बतलावे, मैं कोई काम चोर हूँ, काम चोरी बतलावे, इसलिए मैं अब घर छोड़ कर आ गया। अब मैं कुछ काम धाम करूंगा, रुपया कमाऊंगा, उन्हें यह दिखाऊंगा कि शेख चिल्ली भी कुछ है, हाँ कमा के दिखाऊंगा उन्हें, इसलिए मैं तुझे कह रहा हूँ कुछ खाने कमाने की सोच ले कर बुद्धि में। अबे तो सोच ना, हमें काम क्या करना है, ऐसा काम करना चाहिए जिससे कड़की दूर हो और लड़की करीब हो। अबे अकल क्या खोलू, तुझे अकल नहीं है, तेरा भाई इतना जूत लगवाऊंगा कहीं इतना जूत लगवाऊंगा कि तेरी आने वाली नस्ल भी गंजी होएगी। जब देखा जबी दिमाग से लड़की की बातें करता है, बिगर लड़की कुछ नहीं सोचता तुझे। गलती हो गई। अच्छा अब तुम काम के बारे में सोचो, यही तो सोचने वाली बात है। भाई जान सोचने से कुछ नहीं होगा, इसलिए हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। अब ऐसे कर, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ पिएंगे, साथ कमाएंगे, ठीक है। और करते हैं काम की शुरुआत, पर यार हम काम क्या करेंगे? हाँ सोच लिया। क्या सोचा जरा जल्दी से बता। हो ले ले बतलाऊंगा। एक बात है भाई जान, हम दोनों जो भी कमाएंगे आधा बांट लिया करेंगे। भाई धंधे में कोई यारी नहीं, यारी अपनी अपनी, खर्चा अलग अलग, ठीक है। ठीक है बतलाता हूँ। एक बार सुन बूंदी, हम दोनों पहले चल के वहाँ चाय पीते हैं। अबे ठठेरे, जब भी सोचेगा उठ पटांग ही सोचेगा, तेरे दिमाग में कभी सही बात भी आती है कि नहीं? क्यों चाय पी, जेब में पैसे वैसे हैं तेरे? भाई पैसे की छोड़, पैसे तो पिला देगा तुझे, बताओ मेरा साला लगता चाय वाला। अच्छा वो सलमा का भाई लगता दूर का। सारे दुकानदार तेरे साले ही हैं। जाते सलूट मारेगा। अच्छा और चाय भी पिलाएगा। अच्छा। सलाम करता मुझे। चल देखता हूँ। चल देख ली। चल चल चाय पिलाएगा। नरपत भाई, ओ मेरा मतलब है नरपत भाई, राम राम। काहे की राम राम भैया, तुम जैसे मुफ्त खोरो थे तो दूर की राम राम अच्छी। नरपत भाई आपने मुझे हराम खोर कहा, नरपत भाई मुझे कभी हराम खोर मुफ्त खोर मत कहना, तो मैंने तेरी चाय मुफ्त नहीं पी कभी भी, उधार जरूर पी है। और आज भी उधार ही पियेंगे। अब तुम ऐसा करो फटाफट दो कप गर्मा गर्म चाय बनाओ। बड़ा डालो पहले पैसे दो, जब मिलेगी चाय। पिछला तो हिसाब किया नहीं, आगे को आगे चाय दो। नफरत भाई, अगर इसकी जेब में पैसे होते तो तुम्हारी दुकान मिली इसे चाय पीने के लिए। तो भैया फिर नापो सड़क, धंधे का टाइम है, टाइम खोटी मत करो, चलो निकलो बस। कम मगज क्यों नाराज हो रहा, तेरा अगला पिछला सगला हिसाब किताब की जिम्मेदारी मेरी रही। अरे ठीक कह रहा है शेख चिल्ली, आप हमारा 100% विश्वास करो नफरत भाई। क्या क्या बोला तूने? आ जाते हैं सुबह सुबह दिमाग खराब करने। नफरत नहीं नरपत भाई। हाँ और अगर दोबारा मेरे नाम की ऐसी की तैसी करी तो भगा दूंगा दुकान से कान पकड़ के। अबे नरपत भाई क्या करा, जुबान चमड़े के फिसल जाती है। अबे जुबान को लगाम रख, अगर चाय पीनी है तो समझेगा नहीं, बिस्कुट खाने है तो ठीक है। नरपत भाई गर्मा गर्म चाय पिला दो, पूरा हिसाब चुकता कर देंगे तेरा। ठीक है यार, शेख चिल्ली में विश्वास नहीं है। हाँ हो गया, तुम जैसे पर यकीन कर गए तो मैं पछता रहा हूँ। खैर आज पिला ही रहा हूँ, पर हिसाब जल्दी कर देना। कर दे। सारे उल्टे काम आ रहे हैं। श्याणा बन रहा, दूर का सलमा का भाई भी लगा फिर भी श्याणा बन रहा। सारे उल्टे काम करेगा, उल्टे हाथ से खा रहा। हाँ भैया पैसे दो जी, ध्यान रखना आपकी बार लास्ट आखिरी है। नफरत भाई सूखी चाय ने सटका होगा हमें, एक तो पैसे नहीं देते ऊपर से खाने पीने को भी जन क्या क्या चाहिए, एक कभी मिलेगा पैसा दे दूंगा कम मगर वैसे सलमा का भाई बना है दूर का तू। अरे भाई तो हूँ पर मुंबई वाला हूँ। बॉम्बे वाला ठीक है बॉम्बे वाला सही कम नगद दूर की रिश्तेदारी है ठीक है।
शुक्रिया नफरत भाई, यार उम्मीद करके तेरी दुकान पे आवे और तू लग रही थी खराब है। नफरत भाई की हाथ की चाय भाई अच्छी तो लगेगी। क्या पढ़ रहा है तू इसमें? मुझे तो कोई दिखा नहीं, अब तू क्या देखेगा इसमें? मैं? अबे इसमें तो बहुत अच्छी बात है, मैं वैकेंसी देख रहा हूँ नौकरी की। वैकेंसी? ना वैकेंसी क्या हो? वैकेंसी नौकरी होती है, नौकरी तू समझता तो है नहीं। अखबार में नौकरी मिल जा। हाँ अखबार में नौकरी भी मिलती है। ना तो मुझे दिखला मैं देखूँगा, मगर यार एक नौकरी हो करने वाले हजारों। कोई बात नहीं, अब तुझे क्या मिला इसमें? वही तो देख रहे हैं। बाप मुझे मिला गुमशुदा की तलाश और ये लड़की। अच्छा गुमशुदा और वो भी लड़की? हाँ भाई बहुत होशियार है तू, तूने तो बड़ी अच्छी चीज देखी है इसमें। देख ले। अच्छा है तो सही है। अरे तू पढ़ तू पढ़ तू पढ़। पढ़ू? हाँ। अबे इसमें लिखा है हाँ। एक लड़की उम्र 20 साल हाँ। कद 5 फुट 4 इंच। 5 फुट 4 इंच। हाँ ठीक है ठीक है। रंग गेहुआ। गेहुआ रंग है? हाँ ठीक है। नाम रामकली। रामकली बेटा ठीक है। आगे बढ़। उर्फ छिपकली। अबे ठीक है बेटा। अपने घर से 50,000 रुपए नगद और बेटे की जान और करीब 60,000 रुपए के जेवर लेकर अपने प्रेमी के साथ। प्रेमी के साथ आगे बढ़ आगे बढ़। भाग गई है? हाँ भाग गई। ठीक है जो कोई उसका पता देगा हाँ? इस पते पर पहुंचाएगा हाँ? उसे आने जाने के खर्चे के अलावा हाँ? 25,000 रुपए आगे इनाम दिया जाएगा। ठीक है पता सुनाऊं? हाँ पता लिखा है हाँ? चौधरी डमरूमल गांव सुनसानपुर शमशान वाली गली हाँ? जिला बिबानपुर जिला बियाबानपुर। गली गली गलत पड़ी थी गली फेंक पड़ इतनी बात है 8 दिन पढ़ा लिखा हूँ फेंक पड़ गली गली मरगट वाली। अबे पता लिखा तो है हाँ। चौधरी डमरूमल हाँ। गांव सुनसानपुर हाँ। गली मरगट वाली हाँ ठीक है। जिला बियावानपुर। ओ बेटे सही पहुंच गया बूंदी। ठीक पढ़ दिया आप दे। तो फिर एक काम करो हाँ। रोज की धक्के खाने से इस लड़की को ही पकड़ते कहीं चलो किसका पीछा करते है साली का। दिमाग तेरा भी सही काम। ठीक है साली चल मैं ढूंढ रहा था साली को बहुत दिन से। अच्छा ठीक है। अबे सैकड़ों लड़कियां घर से रोज भागती हैं, अब किस किस के पीछे भागेगा तू? मैं यार बूंदी तू भी अकल क्या खोलू। एक काम की बात दे इसमें हाँ? एक बात सुन हाँ? अगर हम इस लड़की को अच्छा ढूंढ लेते तो बिना पैसे का एक बिजनेस शुरू हो जाएगा हमारा। अच्छा और 25,000 रुपए की रकम छोटी नहीं होती। अच्छा अगर इस लड़की को प्रेमी से बचा ले हम तो भाई साहब घर वाले भी खर्चे से खूब खर्चा करो माला मार हो जाएंगे। अम्मी भी बहुत प्यार करेगी मुझे। अबू भी बहुत प्यार करेगा। हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। नौकरी की जरूरत नहीं है। बात समझ में तो नहीं आते पर चल तू है? कहता तो देखता हूँ सोचता हूँ बात तेरी अकल में नहीं घुस रही बात। चाय तो पी लू मेरी समझ में नहीं आ रही है। चलते हैं इस अखबार को ले लेते हैं इसकी फोटो भी है लड़की की। अखबार तो जरूर ले ली ठीक है हाँ। फोटो मिलाकर गाली को ढूंढते हैं बाले में कहीं इसकी जगह किसी और के पीछे न पड़े। ठीक है चलो चाय रखूं नीचे चलो चलो। भैया इस बार पैसे जरूर दे दीजो। मैं दे दूंगा लाला अभी नहीं बिजनेस शुरू नहीं कर रहा। दे दियो भाई मेरे पैसे जरूर दे। चुप कर बैठो ले घर पर ले लूं इसके दे दो पैसे नकदी ले ले। चाय जो पी ली ठीक है आगे बता दूंगा निकल लो। अबे शेख चिल्ली यार तू एक बात बता हाँ। तू हमें जब भी मिलता है इन्हीं फोटो भी मिलता है तेरे पे कितने जोड़ी हैं कपड़े? कितने जोड़ी है हाँ। अबे ये तो एक ही जोड़ी है। एक जोड़ी हाँ। अबे जब तेरा निकाह हुआ था हाँ। तो तेरे अब्बू जान ने ऐसे कपड़े दिलवाए होंगे तुझे जिन्हें तू पहन के निकाह करने गया होगा। ऐसे हाँ तो मैं ऐसे किसके नसीब में लिखे यार मैंने कभी नहीं पहने। और ये क्या ये बूंदी है? कमबख्त इसका नहीं पता तुझे? अबे बेल्ट होती है बेल्ट। बेल्ट ये पैंट को रोकने के लिए होती है बेल्ट। पैंट मैंने बांधी क्या? अबे मैंने तो कभी नहीं बांधी साली। मैं तो निकाह भी इसमें हुआ मेरा। निकाह भी इसी में हाँ। अच्छा कच्चा भी फटका मेरा सज्जो ने सीधा। सज्जो ने हाँ सज्जो ने सीमा था। अच्छा आजकल वो सज्जो है कहाँ? अबे साली वो तो भाग गई।
नहीं भागती तो और क्या होता, इन कपड़ों में कोई रुकती है क्या? कपड़ों में रुकती नहीं है। हाँ। अबे यार साली चली की चले जान ना, मेरे तो सलमा आ गई। सलमा? सलमा कहाँ मिली तुझे? ना सलमा साली घर में ही फंस गई। अरे हाँ? यार कभी ससुराल भी ले चला? ससुराल नहीं ले जाऊंगा तुझे मैं, बिल्कुल ले जाऊंगा। अच्छा अच्छा मत ले चल, एक काम कर भाई, मत ले चल, नाराज मत हो यार। वो 25,000 रुपए वाली बात तो भूल ही गए हम जिस काम के लिए। अबे हम बेको बैठे निकल ले, चल चलो वही बात। शेख चिल्ली, इस जगह की निगरानी करते करते हम तो बोर हो, और ना ही वो लड़की नजर आ रही है जिसे कह रहा था। सबर कर बेटा सबर कर बूंदी, मैं तुझे पता सबर का फल मीठा होता। हाँ ये तो है। और भाई 25,000 रुपए पाने के लिए कुछ तो हाथ में फेंकने पड़ेंगे ही। हाँ ये बात, ये वैसे 25,000 का मालिक बनेगा। चलो ठीक। मुझे लगा है छत पर वो झांक रही है वो लड़की, वो रही है नहीं। अरे हाँ यार, वो तो फोन पे बातें भी कर रही है। पर यार शेख चिल्ली, ये तो मॉडर्न लड़की है, ये लड़की तो वो नजर नहीं आती मुझे। तुम्हें पता नहीं है? हाँ। शहर में 4 दिन रहती हवा लग जा, चाल ढाल सब बदल जाते हैं। ये बात या नहीं? ये बात तो सही है। आ जाओ 25,000 रुपए ये साली पाने दो, और साली को उठा के ले चलेंगे और जेल थाने में ले जाएंगे, 25,000 के मालिक बन जाएंगे। यार शेख चिल्ली, वो तो सब ठीक है, वो हमारी तरफ आ रही है। आने दे आने दे, साली को उठा के ले जाएंगे, 25,000 के मालिक बने बनाए। भाग ले बेटा, ये क्या है? सरीचा चढ़ने वाला ये यहाँ है, निकल ले।
और मिले भाइयों क्या? अरे नहीं, भाग गए साले। हमने तो बतेरी कोशिश करी पर साले भाग गए। हमें तो सांस चढ़ गया भगते भगते। चलो कोई बात नहीं, कभी तो मिलेंगे। उन्हें तो जीना दुश्वार कर रखा है। बहु व्यक्ति बात नहीं लिखड़ सकती। नहीं लिखड़ सकती? हाँ। तो अंदर रखो उन्हें। अंदर कहाँ रख लेंगे उन्हें, जीना दुश्मन कर रखा है उन्हें। ठीक है ठीक है, पानी मिलो। चलो ना भाई, तुम क्या कर रहे हो यार? तुम भी निकला। नहीं निकला साले में पाटे लगाऊंगा। चोर मिले क्या? इन्हें दे दो चोर साले में पकड़ के। मैंने आपका बहुत इंतजार करा। आप कहाँ गए थे कल? मैं घर पर थी, मैं आ नहीं पाई। और हम इधर उधर वेट करते रहे, डोलते रहे, हमारा कुछ ख्याल नहीं आपको? कहाँ पर कर रहे थे इंतजार? वही नौचंदी वाले खेत में। ये नौचंदी वाला खेत कहाँ पर है? यहाँ इलू इलू करते हैं सब। तुमने कितनी बार कितनों को देखा हो? बेटा शेख चिल्ली भाई, तू एक दिन जरूर मरवाएगा। आज अगर नहीं भागते तो पब्लिक हमारा जनाजा निकाल देती, कोई रोने वाला नहीं मिलता, और ऐसा पोस्टमार्टम करती, ऐसा करती कि किसी को कुछ पता नहीं लगता। बेटा बूंदी, अगर 25,000 रुपए कमाने हैं अच्छा, तो कुछ तो जोखिम उठाने पड़ेगा। अरे कुछ तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। अच्छा। अरे चिंता मत कर यार, तेरे साथ शेख चिल्ली है। शेख चिल्ली जोखिम गया सीखी तहसी में। तू एक दिन जरूर जान निकलवाएगा। पता लग जाता तुझे अगर पब्लिक के हाथ लग जाते हम दोनों। कैसे पता जाता? साले का मुंह पहले पट लगा था साला। कैसे अब बोल रहा है ना ज्यादा? अब बोला बचा जो लाया तुझे वहां से। बेटा बूंदी, मुझे लग रहा ये वही लड़की है जो घर से भाग के आई है। हैं, इसके साथ में इसका वो प्रेमी दिखे। चल उठ ले शाली को ले जाकर पुलिस में। शेख चिल्ली, तुझे हर लड़की वही नजर आ रही है। तू दिख रहा है ढंग, तू मुझे तो मरवाएगा ही, अपने साथ साथ मेरा भी जनाजा निकलवाएगा। बस साथ साथ जीने मरने कसम खाई है, हैं? तू घबरा क्यों रहा? चल मेरे साथ चल, साले को पकड़ कर थाने में ले चलते हैं। 25,000 रुपए की रकम छोटी नहीं होती। अब जरूर दिख रहा, अब जरूर बंद करवाएगा तू शेख चिल्ली मुझे। बस जोच को बंद कर इसे, मेरे साथ चल तू। शेख चिल्ली का होता डर रहा नहीं चल। अरे डर सच्चा है शेख चिल्ली, तू नहीं समझता। निकल। क्या बात है भाई, ऐसे कैसे देख रहे हो? चुप हरामखोर, बात तेरे से नहीं, इस लड़की से बातें करनी है। हाँ तो लड़की, तेरा नाम रामकली उर्फ छिपकली, रंग घेवा, कद 5'4". 50,000 रुपए लेके नगद भगी, 60,000 के जेवर है, अपने प्रेमी के साथ फरार, और वो प्रेमी तेरा ये बंदर है। चुप, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? धमका रही है। चुप बे लफंगे कहीं के, यहाँ से भाग जा वरना थाने में बंद करवा दूंगा। लौटे चुप बैठ, थाने में तो हम बंद कराएंगे तुझे। रोब किसी और को मारना, हम देखेंगे तुझे कितना बड़ा आशिक है। अजय, मैं कहती हूँ इनसे आराम से ही बात करो, अगर इन्होंने हमें किसी मुसीबत में फंसा दिया तो। और फिर हमें डर किस बात का है, हमने किया ही क्या है? अबे ओए, क्या गुजर बुजर लगा रखी है उन्होंने? चलो चलो थाने। नहीं चलो, साले गुजर बुजर कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब अब है कौन? वाह बेटा, तुझे अभी तक पता नहीं चला हम कौन है? बूंदी जरा पतली पतली से बतला। इसे नहीं जानती? ये शेख चिल्ली है और मैं बूंदी। फिर हमसे क्या चाहते हो? 25,000 रुपए। क्या मतलब? हाँ ठीक है, वह मतलब तो थाने जाकर समझ जाओगे दोनों। लेकिन भाई साहब, हमारा कसूर क्या है? कसूर तो थाने चलकर पता लगेगा। और कसूर ये है कि तुम घर से भागे हुए हो, और तुम्हें थाने ले जाकर तुम्हारी और हालिंग करवाएंगे,
और तुम्हारी बैरिंग बना करके भेज दिया जाएगा। क्यों बूंदी, मैंने गलत कहा? तू गलत कहता ही नहीं। बस 3 दिन हो गए, अब पल्ले पड़े हो। क्यों बूंदी, मैं ठीक कह रहे हो ना? तू कह रहा है तो ठीक ही कह रहा है, बात तो तू ठीक ही कहता है। अरे भाइयों, हम भाग के नहीं आए, हम तो अपनी मर्जी से आए हैं। हम बालिक है नाबालिग नहीं है। हाँ, हम जानते हैं सारा, चोर को भी चोरी करके ये नहीं कहता मैंने चोरी की है। साले बातें बना रहे हैं, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम दिमाग की मिस्त्री हो क्या? शट अप। तू डबल सेट अप, इंग्लिश में गाली दे रही है। अबे शेख चिल्ली, निकालियो मेरा रामपुरी, तेरे नेकर में रखा था। मुझे तो मैं घर भूल गया, वो तो मेरे भाई इंग्लिश में बोल रही है। बूंदी भाई, ये वैसे नहीं चलने वाली, इसे घसीट 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 कर ले चलो। ठीक है, एक काम कर, तू इस बंदर को घसीट। हाँ। और मैं इस लड़की को लेकर चलता हूँ। लड़की को तू घसीटेगा? हाँ ठीक है ठीक है। खबरदार, जो मुझे हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। तोड़ देगी तो मैं वेल्डिंग करा लूंगा। चल निकल। नहीं निकले, मैं निकल ले कम से कम। ना मुकेश का कुछ पता लग रहा है? मुकेश वाली का क्या क्या काम करो सारे दिन यार, क्लियर करो से। हाँ भाई, गाड़ी का बिना नहीं लग रहा इसका। तो अभी गाड़ी के बारे में नहीं बता रहा, नट मार के रिमांड लेगा। सर ये केस ले के आए हैं। हाँ के केस है। हाँ भाई, कौन हो तुम? है सर, मेरा नाम तो बूंदी है। अच्छा। मेरा नाम शेख चिल्ली है। शेख चिल्ली, फिर अकेले नहीं थाने में? सर हम लेने आए हैं ये लड़की, 50,000 रुपए घर से नकद, 60,000 का जेवर, और इस लड़के की गैल फरार है, हम इसे पकड़ के लाए हैं। हमारे 25,000 रुपए मिलने चाहिए इनाम के। लेकिन साहब हम भागे नहीं हैं, मेरा नाम अजय है और ये मेरी पत्नी रीठा है, हमने अभी 1 महीना पहले ही शादी की है। ठहर तो जा, रुक जा, इसकी बात तो सुन दे। ये देखो, देख लो, अब फोटो है इसका, लड़की का फोटो देख लो। कहाँ है इसमें? साहब ये यरी सर। अच्छा ये सर, आप हमारा यकीन तो कीजिए, हम घर से भागे हुए नहीं हैं। हाँ हाँ ठीक है, मालूम हो तुम वे दोनों नहीं हो। अब तुम ऐसा करो, जा सकते हो। थैंक यू सर। सर वो हमारा इनाम 25,000 रुपए। थारा इनाम तो भी दूंगा भाई मैं। अरे मेरा डंडा लाइए भाई शर्मा। सर आपके नीचे तो रखा है डंडा। ठीक है, मैं नहीं बांट लूंगा। ठीक है, ऐसा करो भाई, इनका इनाम दे देता हूँ मैं। हैं है? ये तो 1 साल पुराना अखबार है जो तुम लेके आए हो मुझे दिखाड़िया। तारीख पढ़ लो, आज की तारीख है, आज का महीना। साहब आप एक काम करो, साहब आप एक काम करो, ये 25,000 का इनाम मेरे दोस्त शेख चिल्ली को दे दो। ठीक है, मुझे दे दो। अरे तूने सुन तो, होश नहीं लिया। मैं आज पानी पी रहा ना, पानी ही मिल रहा है तेरे लिए। बूंदी को इनाम तो दो, पानी तेरे लिए इनका पूरा लियो, अभी लाख पानी पी। पानी यही पिया रहे, पानी ले ही रहे इसके लिए। अभी रात है, क्या हो तू? हाँ भाई बूंदी आ जा, तू ही ले भाई ना। हमने सारा मामला सुना, अब हम न्याय करेंगे। बूंदी और शेख चिल्ली, तुम दोनों 25,000 रुपए कमाने के चक्कर में घन चक्कर बने रहे और दौलत के चक्कर में शरीफ नागरिकों को परेशान करते रहे, इसलिए पुलिस ने तुम्हारी जो पिटाई की वो उचित थी, क्योंकि अब फिर कभी तुम भविष्य में अमीर बनने के लोभ में फिर किसी शरीफ लड़की और लड़के को परेशान ना कर सको। और वैसे भी बरसात में रपटने का और पुलिस से पिटने का कभी मलाल नहीं करना चाहिए। बोलो महाराज,
अब हम अपने रनवास में जाएंगे क्योंकि हमें थकावट महसूस हो रही है। रनवास में कौन से नंबर की रानी के पास पहुंचाए महाराज? आज हमें एक दो तीन तीसरे नंबर की रानी के पास पहुंचा दो और दरबार बर्खास्त। जैसी महाराज की आज्ञा। मंत्री हमें उठाओ। जी महाराज, जी महाराज।